11 अप्रैल 2022 को रशिया ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में नाजी विचारधारा के विरुद्ध एक रेजोल्यूशन पास करवा लिया। इसमें भारत समेत 105 देशों ने इस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया और 52 देशों ने इसके विपक्ष में वोट दिया। वहीं 15 देश इस रेजोल्यूशन के समय न्यूट्रल रहे। अब जबकि ऐसा माना जाता है कि नाजी विचारधारा का अंत हिटलर की मृत्यु के बाद हो चुका है, तो फिर आज 2022 में यह विचारधारा वापस कहां से आई? तो अब इसका सीधा संबंध आता है यूक्रेन की अजोव रेजिमेंट से, जो कि स्टेब्लिश हुई थी वर्ष 2014 में। मात्र 900 सैनिकों की इस रेजिमेंट के लिए यह माना जाता है कि इस रेजिमेंट में अधिकांश सैनिक हिटलर की नव नाजी विचारधारा का समर्थन करते हैं। यूक्रेन की इस सैन्य इकाई पर यह आरोप है कि इन्होंने यूक्रेन की माइनॉरिटी कम्युनिटी और LGBTQ कम्युनिटी के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अजोव रेजिमेंट के सैनिकों ने साल 2015 और 2016 के बीच डोनबास के लोगों को टॉर्चर किया और कई लड़कियों के साथ रेप भी किया, और इसी का फायदा लेकर पुतिन बार बार यह कहते रहते हैं कि जब तक वो यूक्रेन को डीनाजीफाई नहीं कर देते तब तक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा।